Now, are you able to see this structure? Yes, yes sir. तो मैंने आपको डायरेक्टली दिखाई दिया स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नहीं? तो ये जो हमारा पार्ट है इसको छोटा ही रहने देते हैं. सो नाउ ये जो कंपार्ट है, सो दिस पार्ट इज ग्लिसरॉल, ठीक रहे? तो ये आपका ग्लिसरॉल का पार्ट है. नाउ ये जो पार्ट है वो फैटी एसिड है, आप किसी भी साइड में रख सकते हो, कोई रूल नहीं है. फाइन. ये जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है, एंड जो जेड के जगह पर इन्होंने क्या लगाया है, इन्होंने लगाया है आपका क्या, एक्स. एक्स. सो दिस एक्स इज व्हाट? सो दिस एक्स इज स्पेशल, ठीक है? तो ये जो एक्स है ये आपका स्पेशल ग्रुप हो गया. फाइन. नाउ ये जो है आपका क्या है, फैटी एसिड्स, एंड ये जो पार्ट है आपका क्या है, ग्लिसरॉल, एंड ये जो पार्ट आपका क्या है, पीआई या आई, ठीक है? इज इट अंडरस्टूड? तो अब ये हमारा हो गया क्या, फॉस्फोलिपिड. फाइन. तो दिस होल थिंग इज आवर व्हाट, दिस होल थिंग इज ए फॉस्फोलिपिड. अंडरस्टूड? नाउ अगर हम इस फॉस्फोलिपिड में बिना एक्स के उसको देखें, फाइन, सपोज हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे बिना एक्स के, फाइन. तो सपोज हम लोग उसमें वी विल सी इट विदाउट एक्स. तो विदाउट एक्स जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फाटिडिक एसिड. तो समझ रहे हो? तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फॉस्फाटिडिक एसिड. सो हम लोग लिख सकते हैं दैट फॉस्फोलिपिड, ओके, फॉस्फोलिपिड इज इक्वल टू क्या, तो वी कैन राइट फॉस्फोलिस्टेरिक एसिड, फॉस्फोलिपिड इज इक्वल टू फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस एक्स, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो हम लोग एक्स लिखते हैं, जेड एक्चुअली लिखो, जो मर्जी लिखो, या एक्स लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको एक्स बता दिया. तो अंडरस्टूड? तो इसलिए अब यहां आपका अलग अलग फॉस्फोलिपिड दिया है. या अगर एच है, ओके, अगर एच है तो के, अगर एच है तो आपका क्या होगा, इसका नाम है फॉस्फेटिडिक एसिड एक्स की जगह पर, ओके, एक्स यहां लिखा है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्स. तो फॉर्मुलेशन ऑफ एक्स, तो इसको आपको ध्यान देना है, अगर एच है तो वो फॉस्फाटिडिक एसिड होगा, अगर कोलीन है तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोलीन, तो ये हो जाएगा क्या, फॉस्फाटिडिल कोलीन, उसका कॉमन नेम है लेसिथिन, एंड सो ऑन. तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड में, तो ओके, तो इसी चीज को हम लोग यहां लिख लेंगे. डिस्टर्ब करता है. नाउ फॉस्फोलिपिड्स, ओके,
कंटिन्यू। तो अब इसमें आपको मालूम है दैट फॉस्फोलिपिड का फॉर्मूला क्या है। सो तो टू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू क्या फॉस्फाटिडिक एसिड। समझ रहे हो? तो फॉस्फाटिडिक एसिड। तो आप इसमें देयर इज नो क्या जेड या एक्स ग्रुप। ओके देयर इज नो जेड या एक्स ग्रुप। ओके सेमीकोलन इट इज द सिंपलेस्ट क्या फॉस्फोलिपिड। ओके इट इज द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड। समझ में आया? अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है तो अब हम लोग उसमें एग्जांपल्स ऐड करेंगे। तो उसी तरह से फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस कोलीन मॉलिक्यूल। ओके तो कोलीन मॉलिक्यूल तो फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस कोलीन मॉलिक्यूल। तो कोलीन का फॉर्मूला क्या था CH2 CH2 N CH3 तीन तो। ओके तो CH2 CH2 NH ओके N CH3 तीन तो। तो इसलिए बस उसको लगा दो। तो कोलीन को हम कैसे दिखाएंगे एक बॉन्ड दिखा देना। ओके CH2 CH2 ओके N N CH3 तीन ठो। तो उसका मतलब क्या है ऐसे हम बॉन्ड करके CH3 करेंगे इधर भी एक CH3 करेंगे ऊपर भी एक CH3 करेंगे मतलब ले। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोलीन। ठीक है तो आप इसमें एक ऑड प्रॉब्लम है क्या है बताइए व्हाट इज द ऑड थिंग बताइए। तो नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड होता है मैंने आपको बताया था बोले तो यहां तीन लग गया। सो नाइट्रोजन का तीन लग गया तो फिर ये हाइड्रोजन कहां से आया समझ में आया। तो इसका मतलब इसने आपका हाइड्रोजन को दोनों लोन पेयर दे दिया है। फाइन इट हैज गिवन बोथ द लोन पेयर्स इसलिए उसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे। ओके वी विल डिनोट इट विथ प्लस साइन। समझ में आया? तो इसलिए नाइट्रोजन का तीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है बट अगर चौथा लगाओगे तो आपको इस तरह से देना पड़ेगा साइन। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा आपका। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या कोलीन का। तो अगर ये फॉर्मूला हो गया कोलीन का तो अब क्या हो जाएगा उससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फॉस्फाटिडिल कोलीन। फॉस्फाटिडिल कोलीन। ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या है या कॉमन नेम लेसिथिन। आप लेसिथिन टर्म आपने कहीं सुना है इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे बताइए आपने योग सुना है कि नहीं ए लेसिथल योग माइक्रो लेसिथल योग। तो इसका मतलब लेसिथिन कहाँ मिलता है आपका। सो दिस इज ए फॉस्फोलिपिड फाउंड इन एग योग कॉमा प्लास्मा मेम्ब्रेन। ओके
कॉमा सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स, सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स। तो ये तो आप पढ़े होंगे क्लास टेंथ में सर्फेक्टेंट क्या होता है। चलिए तो ये आपका कंसेप्ट है, हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ एक एरो दे देंगे। कम टाइम मिलने से ना बहुत मेंटल प्रेशर हो जाता है, अब ज्यादा पढ़ाना है, कम समय है, क्या करेगा बंदा, पता नहीं। चलिए आप उसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेम आप जोड़ दीजिए, बट कोलिन के जगह पर हम लोग सेरीन एमिनो एसिड जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फॉस्फाटिडिल सेरीन, है ना, पढ़ जाओ सर। हाँ, फॉस्फाटिडिल सेरीन, इसका कॉमन नेम क्या है, सेफालिन, ठीक है। तो सेफालिन कहाँ मिलता है, तो दिस इज फाउंड इन ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, ओके, फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ओके, ब्रेन सेल्स, ओके, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ब्रेन सेल। नाउ उसी तरह से एक और एग्जांपल लिखेंगे, तो आप कोलिन इधर कोलिन के जगह पर एमिनो इथानॉल लगाएंगे, एमिनो इथानॉल, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फाटिडिल एमिनो इथानॉल, उसका भी कॉमन नेम है सेफालिन, ठीक है। सो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज के, बोलिए, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बट एक नोट याद रखिए, ओके, तो इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे यार, सो व्हाट इज द नोट, दैट इन ड्यूरिंग, ये ऑलरेडी केवीपीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके, ड्यूरिंग बताइए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाटिडिक एसिड नंबर ऑफ वाटर रिलीज इज इक्वल टू, कहते बोलिए जल्दी बोलो, वरना मैं होमवर्क दे दूंगा, मेरे को बढ़िया है। चार, ओके, बायोलॉजिकल, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, फोर, फॉस्फोलिपिड्स, ओके, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, तो अच्छी बात है, अब तुम बोलोगे नहीं तो मैं होमवर्क दे दूंगा। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लास्ट इज हाउ मच, फोर, तो आइदर तुम बेवकूफ हो या बदतमीज हो, आप जान रहे हो कि मैं तब से फोर को हाँ नहीं बोला, अब उसके पीछे लगाए जा रहे हो फोर फोर फोर, तो मैं गधे, ओके, तो इसीलिए गधा किसने बोला था, किस फिल्म में डायलॉग था मेरे को बता, अगर नीट चाहिए तो आपको फिल्म का भी आंसर आना पड़ेगा, बताइए गधे, तो ये होगा कितना, थ्री, एंड ये होगा फोर, सो दिस इज द फन। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो हमारा फॉस्फोलिपिड्स खत्म हो गया, अगला क्लास में कल हमारा है, तो शायद कोशिश करेंगे लिपिड्स, सर थोड़ा लास्ट पेज दिखना, नहीं वो आपका वीडियो में देख लेना, वो मिल जाएगा, ठीक है सर, उसे थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा, हाँ वो अपलोड होता ही है वीडियो, तो इसलिए आप लोग आराम सर कल का भी करेंगे, अभी तुम लोग को तो मजा लगता है ना, वीडियो अपलोड कर दो, कितना टाइम लगता है वो पता है,